हेलो फ्रेंड्स, जेएमके एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड आकांक्षा अपना नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे और उन्हें पसंद किया होगा। और यदि अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, प्रीवियस वीडियो देखिए। अच्छे लगते हैं आपको तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर भी कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप समय पर उनका लाभ ले सके। यदि आप हमारे चैनल से संबंधित लिंक और PDF चाहते हैं तो हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके टॉपिक को लेकर वीडियो बनाएं तो हमें हमारे फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कीजिए और हमें लेसन की पिक भेजिए। हम जल्द से जल्द उसकी पाठ योजना बनाकर आपके लिए अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ योजना बनाना। सबसे पहले हम पाठ योजना का क्रमांक डालेंगे। ये हमारी विज्ञान की सीरीज का अगली पाठ योजना है। अभी तक हम विज्ञान की 27 पाठ योजना बना चुके हैं। उसी सीरीज में ये हमारी आगे की पाठ योजना है, यानी कि 28 नंबर की पाठ योजना, जिसमें हमारा प्रकरण है पदार्थ की प्रकृति। इसमें सबसे पहले हम ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनाएंगे, जिसमें आपको अपना नाम लिखना है। छात्र अध्यापिका के नाम में जो NIU से DLED कर रहे हैं वो यहाँ पे शिक्षक प्रशिक्षु का नाम लिखेंगे। विद्यालय के नाम में NOS वाले टीचर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। विषय हमारा विज्ञान है। बाकी सारे जो स्टूडेंट हैं वो उनको जो भी प्रैक्टिस टीचिंग के लिए स्कूल अलॉट किया जाएगा उसका नाम लिखेंगे। कक्षा हमारी 6वीं है और प्रकरण है पदार्थ की प्रकृति। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही सामान्य उद्देश्य लिखा हुआ है। आप यदि और लिखना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो से जाकर लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। हमारा प्रकरण है पदार्थ की प्रकृति, तो उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे एक विशिष्ट उद्देश्य लिखा हुआ है। आवश्यक सामग्री लपेट, शैम्पर, चौक, डस्टर, चार्ट आदि। शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, पूर्व ज्ञान, छात्र पदार्थ से परिचित है। शिक्षण बिंदु हो गया पदार्थ की प्रकृति। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट जो कि प्रस्तावना, महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। यदि हमारी प्रस्तावना प्रभावशाली होती तो हमारी पाठ्य योजना भी, सारी पाठ का प्रस्तुतिकरण भी प्रभावशाली होता है। इसमें हम कॉलम बनाएंगे शिक्षक कार्य और छात्र क्रिया। यहाँ बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों हम अपने आसपास असंख्य वस्तुएं देखते हैं, उदाहरण दीजिए, तो हवा, पानी, ग्लास, कुर्सी, टेबल, स्याही और भी वो आंसर देंगे। इन वस्तुओं को हम पदार्थ कह सकते हैं। हाँ, हम इन वस्तुओं को पदार्थ कह सकते हैं। पानी किस प्रकार का पदार्थ है तो वो बताएंगे द्रव, और टेबल किस प्रकार का है तो वो बताएंगे ठोस। तो बच्चों आज हम पदार्थ की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा उद्देश्य कथन। फिर उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम क्रम, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र क्रिया व शापटकार, ऐसा कॉलम बनाएंगे। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है पदार्थ की प्रकृति, जिसमें हम बच्चों को पदार्थ की प्रकृति के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चे क्या करेंगे इस समय, ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। फिर हमारा अगला शिक्षण बिंदु है भौतिक वर्गीकरण। हम इन्हें भौतिक वर्गीकरण के बारे में समझाएंगे, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। इस तरीके से हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे भी चित्र बना सकते हैं। आप चाहे तो चार्ट बना कर ले जाएं या फिर आप ब्लैक बोर्ड वर्क में भी कर सकते हैं। फिर हमारा अगला शिक्षण बिंदु है रासायनिक वर्गीकरण, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम उसी से रिलेटेड बहुत गंभीर प्रश्न करेंगे। जो हम प्रश्न करेंगे वो शिक्षक व्यवहार में आएगा और जो विद्यार्थी उत्तर देंगे वो श्यामपट कार्य पे भी हमें लिखना है और विद्यार्थी व्यवहार में भी। फिर हमारा अगला शिक्षण बिंदु पदार्थ की अवस्थाएं, हम उन्हें इस तरीके से चार्ट द्वारा भी समझा सकते हैं या ब्लैक बोर्ड पर भी बनाकर समझा सकते हैं। फिर ठोस समझाएंगे हम, द्रव के पदार्थ के बारे में समझाएंगे, गैस के बारे में समझाएंगे और प्लाज्मा के बारे में एक्सप्लेन करेंगे उन्हें। ये उनके लिए थोड़ा नया शब्द है तो हमें बार बार उन्हें एक्सप्लेन करना है और उनसे उसी समय कुछ बोधगम्य प्रश्न करने हैं जिससे कि उनको तुरंत याद हो सके। फिर हम उनसे और एक बोधात्मक प्रश्न करेंगे। फिर इस तरीके से हम श्यामपट कार्य का प्रारूप बनाएंगे। इसमें आप ब्लैक कार्ड चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे आयताकार काटें और अपनी कॉपी में लगाएं और सिल्वर पेंसिल्स पर लिखें। कुछ प्रमुख शिक्षण बिंदु लिखते हैं और जो हम ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनाते हैं वो लिखें। फिर उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें यानी कि हमें एक बार पाठ की पुनः पुनरावृत्ति करानी है तो यहाँ पे हमने एक पुनरावृत्ति प्रश्न लिखा हुआ है। फिर अभ्यास कार्य, यानी हम जो कक्षा कार्य लिखते हैं वो है
इसमें आप कक्षा में उन्हें कार्य करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं और इसी दौरान आप पिछले दिन का होमवर्क भी चेक कर सकते हैं। फिर ग्रह कार्य, इसमें जो भी आप ग्रह होमवर्क देंगे वो लिखना होता है। जैसा मैं आपको हम अभी बता रही हूँ, हर ये जब से मैं साइंस के इस हैंडराइटिंग में वीडियो बना रही हूँ कि ये हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, या बोलूँ तो अच्छी नहीं है, इसमें आपको जो भी समझ में ना आए आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। समय के अभाव के कारण हम स्वयं नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए हमने जो हमारे पास पहले से उपलब्ध है, हमारे स्टूडेंट द्वारा बनी हुई, अच्छे स्टूडेंट द्वारा बनी हुई पाठ्य योजना है ये, इसके सारी जो अंदर का जो मटेरियल है वो सब सही और अच्छा है। बस सिर्फ राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आपको ये थोड़ा चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप लोगों की आवश्यकता है, अभी आप लोगों को चाहिए। और हमारे पास अभी थोड़े हम अरे भी कॉलेज में प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे हैं तो हम कम बना पा रहे हैं, इसलिए हमने ये आपके लिए अपलोड किया है और हम खुद स्वयं भी बनाकर जल्द ही अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद आता है टिप्पणी, जिसमें जो भी आपका पर्यवेक्षक होता है वो यहाँ पे आपको टिप्पणी देकर बताएगा कि आपका पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था। फिर यहाँ वो आपको ये भी बता सकते हैं कि आपने अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, आपका ये कौशल अच्छा था, श्यामपट कौशल अच्छा था, प्रश्नोत्तर कौशल अच्छा था, आपका उद्दीपन कौशल अच्छा था, इस तरीके से बहुत सारी टिप्पणियाँ वो आपको यहाँ पे दे सकते हैं। आपका चार्ट अच्छा था, ब्लैकबोर्ड पर बहुत फिनिशिंग से था, आपने बच्चों पे नियंत्रण अच्छा था, इस तरीके से विभिन्न टिप्पणियाँ वो आपको यहाँ देंगे। उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम, आपके हस्ताक्षर, विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने बहुमूल्य कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।